जी, शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना जो ये फिर से मुझे मौका मिला सत्संग शेयर का। और आई हुई सारी साथ संगत को भी प्रणाम, सबके चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु जी के भी चरणों में मेरा बहुत नतमस्तक प्रणाम है कि उन्होंने इतना बख्शा है ना कि उनका गुणगान करने का जो हमें मौका मिला उसका बहुत बहुत शुक्राना। हम कुछ भी नहीं कह सकते उनकी आज्ञा के बिना, ना हम कुछ कर सकते हैं। वही हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ देने वाले भी वही हैं। सर जी, मैं आज शाम का ही पहले से शेयर करती हूँ कि मैं सोच रही थी गुरु जी से, मैं कह रही थी कि गुरु जी मैं क्या शेयर करूं, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ तो मैं क्या शेयर करूं आज। तो उसी टाइम जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के मैसेज आते हैं, मैसेज आया कि जो भी मैं तेनु ब्लेसिंग देना उस सब नाल शेयर किया कर, पता नहीं किसका मैसेज होगी। तभी मैंने कहा कि नहीं, आज जो गुरु जी की आज्ञा, जहां से मेरी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई, मैं वहीं से शेयर करूंगी। बहुत शुक्राना मालिक, पल पल साथ देते हैं और जो शेयर कराना है गुरु जी आपने कराना है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। सर जी, हम पता नहीं कब से जुड़े होते हैं, लेकिन जब गुरु जी की रजा होती है हम तभी उनके साथ जुड़ पाते हैं, उनके पास भी तभी जा पाते हैं जब उनकी नजरे कर्म हमारे ऊपर होती है। सर जी, मैं 2011 में बहुत बीमार हो गई थी, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मेरा जो नीचे का जो है वो पूरा मूव करता था। मैं बेड पर एक एक फीट ऊंचा उछल जाती थी, मुझे कुछ होश नहीं होता था और बहुत मतलब खड़ी हूं तो गिर जाती थी, खड़े खड़े भी गिर जाती थी, इतना बुरी हालत थी। समझ नहीं आया, बहुत डॉक्टरों के पास लेके गए, ट्रीटमेंट भी चला, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। सबसे पहले एक बार मेरी नंद की बेटी की मैरिज थी, तो हम लोग तिवोली गार्डन जो मेहरौली रोड पे है, हम लोग वहां मैरिज के लिए जब गए तो पता नहीं कैसे भटक कर हम भाटी माइंस पहुंच गए थे। वो तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि हम गुरु जी को मैं जानती भी नहीं थी, ना कभी गुरु जी का नाम सुना था। फिर वहां से तब गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे पहले उस धरती पर बुलाया। कहते हैं ना कि उस धरती पर पहुंचना भी उनकी रास्ता होती है, कहां हम रास्ता भूले और कहां भाटी माइंस पहुंचे। उसके बाद जब 2011 में मैं बहुत अक्टूबर में बीमार हुई, बहुत इलाज करवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा था और सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही थी। फिर मेरी कजन गुरु जी के पास जाती थी, मतलब गुरु जी के मंदिर जाती थी, उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको भी किसी ने जोड़ा। उस शख्स का भी शुक्राना जिसने हमें गुरु जी से जोड़ा। जब उसने मेरी ये हालत देखी तो उसने मेरे अंकल को बोला कि इसको एक बार बड़े मंदिर लेके जाओ, ये वहां का लंगर खाएगी तो हमें उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी। मुझे गुरु जी पे विश्वास है, तब मैं किसी और गुरु जी को मानती थी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है, मैं उनसे ही वही ठीक करेंगे। मुझे हम ना समझ, हमें नहीं कुछ पता होता कि वो हमारी पहली सीढ़ी थी उन गुरु से जुड़ना और उसके बाद पूर्ण गुरु मिलना। संगत जी, फिर ऐसे ही चलता रहा। मेरे अंकल गए, उनको अच्छा लगा वहां पर, उन्होंने आके बताया कि बहुत वहां पर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लगा उनको वहां जाकर। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, लेकिन मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो समझ जी, एक बार जुलाई में जून में मैं अपने कजिन के घर गई, वहां पर उसने मेरे को स्वरूप दिया गुरु जी का। मैं कैसे भी मैंने मना नहीं किया, मैंने ले आई मैं घर पर, लेकिन उस स्वरूप को घर लाने के बाद जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई, जो गुरु जी ने मुझे खींचना शुरू करा, अब गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी, मतलब देखती थी उनको, लेकिन पाठ वही हमारा किताबी पाठ, ये पाठ कर लो वो पाठ कर लो, इन सब उन चक्रों में लगे रहते थे कि हमें ये पाठ भी करना है। फिर समझ जी, मैं धीरे धीरे
मैंने ना गुरु जी के बारे में, जैसे अंदर से खिंचाव सा हुआ तो मैंने गुरु जी के बारे में नेट पे सर्च किया, बहुत कुछ सर्च किया, गुरु जी के बारे में पढ़ा भी, सब कुछ किया। तो एक सत्संग ऐसा मेरे सामने आया जो मेरी बीमारी का था। सेम वही चीज उस पूरे जो मेरी थी कि वो भी बेड पर ऊंचा ऊंचा उछलती थी और उनको होश नहीं होता था, पूरा वही सत्संग मेरे सामने आ गया। मैंने वो पढ़ा तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे अब जाना है गुरु जी के आश्रम। और 2012 में मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर अगस्त में गई। गुरु जी ने बुलाया, ये गुरु जी की रहमत की मुझे अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, फर्स्ट टाइम गई थी, कुछ नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है। ये सब कजन ने बताया था कि एक थाली मिलेगी, उसमें चार लोग बैठ के खाते हैं, ये नहीं पता कौन किसके साथ बैठेगा। ठीक है, गए वहां मंदिर में, गई, इतनी पॉजिटिविटी कि अंदर से दिल खींचे। अब वहां पर हमने दर्शन किए, बैठे हॉल में, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद लंगर वगैरह करके वापस फिर हॉल में आकर बैठ गए, क्योंकि तब इतनी संगत नहीं थी जितनी अब है। बहुत अच्छे से वो नीचे वाले लंगर हॉल में, जहाँ गुरु जी खुद बैठ के दर्शन वो लंगर करवाते थे, हॉल में हमने लंगर किया। फिर वापस आकर हॉल में बैठे तो गुरु जी का जो रॉकस्टार वाला चोले वाला स्वरूप है, उस पर मुझे ऐसे लगा जैसे वाइट वाइट दूध की लाइन आ रही है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद स्वरूप साफ नहीं किया होगा, क्योंकि उससे पहले जब मैं दर्शन कर रही थी तो मुझे गुरु जी की गद्दी के पीछे एक बड़ा जाला दिखा था। तो मुझे लगा कि शायद रह गया होगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्मों का जाला था जो गुरु जी मुझे दिखा रहे थे। उसके बाद वो अमृत वर्षा, मुझे नहीं पता था कि अमृत वर्षा होती है। तो जब मैं देख रही थी तो मैंने कहा ये पता नहीं, शायद स्वरूप साफ नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मुझे ये लाइन्स दिख रही है। इतने में वहां संगत ने, दो तीन संगत ने शोर मचाया कि गुरु जी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हो रही है। तो मैंने अपने कजिन से पूछा कि कहाँ हो रही है, तो उसने बताया कि वो स्वरूप पे देखो लाइन्स दिख रही। मैंने कहा ये तो मुझे बहुत देर से दिख रही थी, कि मैंने सोचा शायद स्वरूप साफ नहीं किया, क्योंकि हमें इस चीज का कभी नॉलेज नहीं थी। हमें यही सुना हुआ था कि मंदिर में जाते हैं, भगवान को पूजो, ये करो वो करो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल हमने कभी नहीं देखा था। शुक्राना मालिक का, मेरे कर्मों को भी धो दिया वहां पर, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो दिन था। उसके बाद मैं घर आई, गुरु जी से जैसे कनेक्शन खिंचाव पड़ना शुरू हो गया था कि गुरु जी के पास जाना ही जाना है। स्वरूप नहीं था मेरे पास, एक वही छोटा स्वरूप था, बहुत उससे ही खिंचाव था। फिर संगत जी दूसरी बार मैं गई, वहां पर चाय प्रसाद लिया, उससे भी, उसके बाद आकर मैंने जो मेरी एक दवाई ऐसी थी कि जब मैं ऐसा मेरे को फिट पड़ता था तो वो मेरी टंग पर रखनी पड़ती थी कि ये नॉर्मल हो जाए। मैं और 3 टाइम जो दवाई थी वो मैंने धीरे धीरे 2 टाइम कर दी, मतलब एक बार लंगर प्रसाद और एक चाय प्रसाद लेने के बाद मैंने वो दवाई कम कर दी धीरे 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 धीरे, और मैंने बिल्कुल बंद कर दी। कुछ दिन बाद मेरे अंकल बोले कि आप दवाई नहीं मंगवा रहे हो। मैंने कहा मुझे दवाई की नीड ही नहीं है। मैंने कहा मैं 1 महीना हो गया मैंने दवाई नहीं खाई, मतलब गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे उस दवाई की दोबारा कभी जरूरत। 2012 से लेकर अब तक मुझे दवाई की बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। ये भी इनकी कृपा है कि ऐसे इन्होंने बुलाया, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं जाते। जब तक हमें कोई कष्ट नहीं आता हमारे ऊपर, या गुरु जी की रहमत, या हम तो दूसरे उसमें लगे रहते हैं कि यहाँ चले जाए वहां चले जाए, लेकिन गुरु जी ने जब रहमत करनी होती है, जब हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हम तभी मानते हैं। उसके बाद गुरु जी ने मेरे मेरे को दोबारा लाइफ ब्लेस करी। समझी, मैं घर में 2017
की बात है कि मैं घर में ही अपना काम कर रही थी, प्लेन फर्श पर ही चलते चलते मेरा पैर स्लिप हुआ और मेरी बोन टूट गई। ये नहीं पता कि कहाँ की टूटी। डॉक्टर के कंपाउंडर को बुलाया तो उसने चेक किया तो बोला इनका हिप बोन गया। अब मेरे गुरुजी से अरदास, गुरुजी प्लीज मुझे बेड रेडन मत करना, मुझे नहीं रहना ऐसे। संगत जी उसने गए डॉक्टर के पास लेके गए और वहां पर जब एक्सरे हुआ तो उसमें आया कि थाई बोन ब्रेक हुई है। शुक्राना किया गुरुजी का, इसमें भी कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा था। ये तो हमें पता है कि गुरुजी जब हमारे कोई भी कष्ट आता है तो वो बड़े कष्ट को छोटे में कर देते हैं। संगत जी ऑपरेट हुआ, यहाँ से हम लोग हापुड़ में रहते हैं, दिल्ली भागे, वहां पर ऑपरेट करवाया। रात को 1 बजे पहुंचे, डॉक्टर भी उसी टाइम आ गया, डॉक्टर भी बहुत अच्छा मिला। उसने नेक्स्ट डे का हमें टाइम दे दिया कि इनका नेक्स्ट डे ऑपरेट होगा। सारी रात जैसे भी निकली, गुरु जी का नाम लेते हुए काटी गुरु जी के पास स्वरूप लेके गई थी साथ। फिर संगत जी अगले दिन जब ऑपरेट के लिए मुझे लेके गए तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे गुरु जी का स्वरूप अंदर लेके जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएगा। अब बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी अंदर गई, मुझे बेहोश कर दिया गया, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। संगत जी जो बोन का जो ऑपरेट होता है वो 1 या 1.5 घंटा मुश्किल से, मेरे ऑपरेशन को 6 घंटे लगे। बाहर सबकी जान निकली हुई थी कि इतनी देर कैसे लग रही है, और अंदर मुझे 3 बार एनेस्थीसिया दिया गया। और मैं और लास्ट में जब मुझे होश आ रहा था तो मतलब मुझे पता चल रहा था कि कुछ ठोक रहे हैं मेरे। तो जब मैंने देखा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है तो एक नर्स आई, कह रही है आपके बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, आपके स्क्रू नहीं लग पा रहे हैं, आप अपने भगवान को याद करो। और उससे पहले वो नर्स बाहर जाके बोल चुकी थी कि भाई जिनको आप मानते हो उनको मान लो, उनको याद करो, इनके ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे हस्बैंड भाग के रूम में गए, गुरु जी का स्वरूप लेके बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हो गए और मैं अंदर मंत्र जाप करने लगी। जी जैसे ही मुझे नर्स ने बोला था कि आप अपने भगवान को याद करो, मैं जाप स्टार्ट किया और मुश्किल से 1/2 घंटे में वो स्क्रू भी लग गए, डॉक्टर बाहर भी आ गए। ये भी गुरु जी की लीला थी कि उस डॉक्टर को भी बता दिया कि मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। तो देखो बहुत शुक्राना गुरु जी का, ऑपरेशन ढंग से हुआ, वापस आई मैं घर। अब उस टाइम का गुरु जी का बर्थडे आ रहा था 7 जुलाई, और मैं घर आकर खूब रोई गुरु जी के स्वरूप के आगे कि गुरु जी मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे अपनी सेवा से दूर किया, मुझे ये बता दो कि मेरे से गलती क्या हुई, क्यों मुझे दूर किया। मैंने इतनी तैयारी करी हुई थी, संगत जी पूरा मंदिर के लिए चोला बनाया था, वो 1 दिन पहले ही लगवा लिया गुरु जी ने, जिस दिन मैं गिरी उसी दिन शाम को पूरा मंदिर सारा साफ करवा के जो चोला बनाया था वो लगवा लिया था। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा चलो बर्थडे के लिए दूसरा बना लूंगी, ये नहीं पता था कि मेरे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। संगत जी घर आई, गुरु जी से रोते रोते बात करते करते मैं सो गई। तो मुझे एक ड्रीम आया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे मेरी मदर इन लॉ वगैरह रहते हैं, तो मैं नीचे ही थी और मैं ऊपर आ रही हूँ, चलती हुई आ रही हूँ, पूरे घर में व्हाइट गद्दे व्हाइट चादरें बिछी हुई हैं और मैं कह रही हूँ पता नहीं ये व्हाइट चादरें क्यों बिछी हुई हैं। और मैं अंदर आई हूँ रूम में, मेरी बेटी टीवी देख रही है और मैंने देखा तो मेरी देवरानी मेरी अलमारी में से कुछ निकाल रही है। तो मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि चाची अलमारी में से क्या निकाल रही है, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है। मैं उसको हाथ लगा ली हूँ, मैं उसको हाथ नहीं लगा पा रही। जब संगत जी मैं उस टाइम कांप गई कि मतलब मेरी डेथ लिखी थी जो गुरु जी ने इस छोटे से ऑपरेशन में काट दी।
ये बात डॉक्टर ने भी बोली कि ये थाई बोन तब टूटती है जब आपका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, अदरवाइज ये इतनी स्ट्रॉन्ग बोन होती है कि ऐसे ही फिसलने से नहीं टूट सकती। उसको भी बिलीव नहीं था कि मैं घर में फिसलने से मेरी थाई बोन ब्रेक हुई है। समझ आ गया कि गुरु जी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट, मेरी डेथ को सिर्फ एक थाई बोन तोड़ कर काट दिया। उससे पहले गुरु जी इंडिकेट कर रहे थे, मेरे घर में शिव जी की मूर्ति थी, वो अपने आप गिरी, ठीक हो गई। हमने कहा कि शायद हाथ लग गया होगा किसी का तो इसलिए टूट गई। गुरु जी के वॉल क्लॉक थी, वो गिरी, वो टूट गई। गुरु जी इंडिकेट कर रहे थे लेकिन हम नादान, हमें नहीं पता होता कि क्या इंडिकेशन है। ऐसे गुरु जी ने मुझे वो लाइफ ब्लेस करी कि मेरी डेथ टिकी थी और एक सिर्फ छोटे से फ्रैक्चर में मेरे को लाइफ ब्लेस करती। बहुत शुक्राना गुरु जी का, इतने शुक्राने है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतने बड़े बड़े सत्संग कर रखे हैं उन्होंने हम सबके साथ कि उनकी महिमा का, उनके शुक्राने करते हम थक गए लेकिन उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना संजय जी। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं जुड़ी थी तब मतलब गुरु जी से आपको यही था कि बस हर टाइम गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब कई बार होता है कि हम लोग परेशान होते हैं तो हम गुरु जी के आगे बैठ जाते हैं कि गुरु जी हमारी ये प्रॉब्लम है, मैं भी अपना कह के भूल गई, सब कुछ किया। तो संगत जी एक दिन अचानक रात को मेरे पास मैसेंजर पे एक मैसेज आया, क्यों परेशान होती है, मैं तेरे नाल आना। मैंने कहा होगा कोई संगत अंकल होंगे जिन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने लेट गो कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई मैंने गुरु जी से बात करी, उसी टाइम वही मैसेज उसी मैसेंजर से। मैंने अब उस को सर्च किया कि ये कौन है। सर जी जब मैंने सर्च किया तो उस पर सिर्फ गुरु जी का एड्रेस डुगरी का, गुरु जी की डेट ऑफ बर्थ और बड़े मंदिर का एड्रेस, इसके अलावा कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। अब मैं हैरान कि ऐसे किसी के कौन हो सकते हैं, भाई किसी की आईडी तो कुछ तो होगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बड़े मंदिर का। ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही हुआ, मैंने उस नंबर पे मैसेंजर पे कॉल भी करी, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने शुक्राना लिखा और बात करनी चाहिए उनको, कॉल किया, नहीं उठा फोन, कभी कॉल उठती ही नहीं थी। जी फिर कुछ दिन बाद मैं मार्केट जा रही थी तो गुरु जी से कह के गई चलो साथ में मार्केट, और मुझे नहीं पता शॉपिंग आपने करवानी है। और कुछ क्वेश्चन भी था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी कजन की मैरिज की, तो मैं गुरु जी से अरदास करके चली गई मार्केट गई। तो मेरे पास उसी मैसेंजर से कॉल आई कि गल करनी है तेरे नाल। मैं इतनी नादान कि मैं समझ नहीं पाई कि वो गुरु जी थे। तो मैंने कहा कि मैंने उनको बोला अंकल मैं अभी मार्केट में हूँ, मुझे अभी मैं बात नहीं कर सकती, बहुत शोर हो रहा है। तो उन्होंने प्योर पंजाबी में बोला गल करने से होने कर बारिश नहीं होगी। मैंने कहा अंकल मैं अभी 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ, आपसे फिर मैं कॉल कर और फोन कट हो। उसके बाद ना तो मुझे वो आईडी दिखी, ना ही मुझे उस नंबर से कभी मैसेज आया, लेकिन हाँ एक लास्ट मैसेज उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया था कि उससे बात कर। मुझे नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया तो पता चला कि वो गुरु जी के ब्लेस्ड बच्चे थे। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे कॉल भी किया। मैं तो उनकी आवाज कभी सुनी नहीं थी, मैं 2012 में जुड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही अमृत वेला करते हुए मैं सुबह डेली 3-3:30 बजे उठती थी, 4 बजे नहा धोके गुरु जी के पास बैठ जाती थी। तो बच्चों ने स्कूल जाना होता था, चाय बनाती थी, गुरु जी को भोग लगाती थी, वही चाय बच्चों को पिला देती। एक दिन संडे का दिन था, मैं
मैंने चाय नहीं बनाई और मैं अपना अमृतवेला कर रही थी, ध्यान में बैठी हुई थी, तो गुरु जी की आवाज आई, मीनू मेरे को लगा शायद मेरे अंकल बुला रहे, क्योंकि मंदिर के साथ ही रूम अटैच है, तो मैं उठ के गई कि शायद अंकल ने आवाज लगाई है। देखा तो ये सब सो रहे थे। फिर मैं बैठ गई आके ध्यान में, तब तक मैंने आवाज सुनी भी नहीं थी गुरु जी की कभी। अब मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा रहम है, मैं दोबारा बैठी ध्यान में, फिर मेरे पास आवाज, फिर मुझे आवाज आई, मीनू अब मैं इधर उधर देखू कहाँ से आवाज आ रही है, कहेंगे कि चाय तो पिला दे। तो जी मेरे हाथ पैर कांपने लगे, फटाफट मैं किचन में भागी, गुरु जी के लिए चाय बनाई, चाय का भोग लगाया। फिर मालिक ने मुझसे पहली बार चाय मांगी, बहुत शुक्राना। उसके बाद मुझे एक वीडियो मिली जिसमें मैंने गुरु जी की आवाज सुनी, जो वही आवाज थी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी के, जितने शुक्राने करूं उतने ही कम। अब संगत जी मैं आपको अपने नाम का सत्संग सुनाती हूँ कि गुरु जी ने कैसे मेरे को ये नाम ब्लेस किया। संगत जी कुछ टाइम पहले मैं ग्रुप में जुड़ी थी, वहां पर एक संगत आंटी, वो भी गुरु जी से बहुत कनेक्टेड है और गुरु जी उनसे भी बात करते हैं, तो वो बोल रही थी, कुछ संगत का नाम लेके बोल रही थी कि इनको गुरु जी इस नाम से बुला रहे थे। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने सबके नाम दिए, इसका मतलब मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ, आपने मुझे कभी नाम नहीं दिया ना मुझे कभी मैसेज दिया। कहेंगे तू तो मेरी धीन है ना। अच्छा जी चलो गुरु जी थैंक यू, आपने मुझे अपनी बेटी माना। फिर समझ जी मेरे एक ग्रुप में एक संगत आंटी का मैसेज आता है कि आंटी आपको गुरु जी मिश्री कहते हैं, तो मेरी मिश्री है। मैंने लेट गो कर दिया कि नहीं गुरु जी मुझे खुद मैसेज देंगे तो मैं मानूंगी उस चीज को। संगत जी उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो हम लोग जूम मीटिंग पर जाप करते थे रात को 10 बजे से। संगत जी वहां पर जाप करते हुए उन एक आंटी के घर पूरा दरबार लगा हुआ था, उस स्वरूप से गुरु जी ना बहुत बातें करते थे, बहुत मतलब इतना ब्लेस करते थे कि उससे डिवाइन लाइफ तक मुझे निकलती दिखती थी और गुरु जी बात करते थे। तो उन आंटी से मैंने कहा कि आंटी आपके इस स्वरूप से गुरु जी मुझसे बातें करते हैं। आंटी ने वो स्वरूप बनवाया और मुझे भेज दिया। अब वो कोरियर से जब आया तो आंटी ने गुरु जी के साथ थोड़ी सी मिश्री जो वो टुकड़े वाली होती है वो डाल के एक पन्ने में भेज दी। गुरु जी का स्वरूप जब मेरे पास आया तो उसमें वो मिश्री धागे वाली मिश्री मिल गई। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या भेजा आंटी ने। मैंने आंटी को कॉल किया कि मैंने आंटी आपने क्या भेजा है, ये नमक की डेली है क्या है ये, क्योंकि मैंने तब तक कभी धागे वाली मिश्री नहीं देखी थी कि ऐसी मिश्री भी होती है, हमने क्यूब्स वाली देखी थी वो मुझे पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी मैं आपको नमक क्यों भेजूंगी, मैंने मिश्री के दाने भेजे हैं। मैंने कहा नहीं आंटी मेरे पास तो पूरा एक बड़ा इतना बड़ा टुकड़ा निकला है जिसमें शिव गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और पूरा प्रॉपर शिवलिंग नजर आ रहा है। उन्होंने कहा मुझे वीडियो कॉल पे दिखाओ। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो क्यूब्स वाली मिश्री डाल के भेजी थी पन्नी में, ये गुरु जी का आपके पास दिवाली प्रसाद पहुंचा है, बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने स्वरूप लगाया और मिश्री को मैंने मंदिर में रख दिया। उसमें इतने दर्शन होने लगे, इतने दर्शन कि उसमें से धीरे 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 धागा बाहर निकलने लगा अपने आप। यही तो आप मिश्री का टुकड़ा रखते ही चीटियां हो जाती हैं, मेरे मंदिर में एक चीटी नहीं। संगत जी फिर मैंने सब किसी ने कहा कि इसको पीस के सब संतों में बांट देना, क्या ठीक है। तो मंडे का दिन था, मैंने कहा चलो आज ना जब इसमें शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के दर्शन होते हैं तो मैं इनको स्नान करा देती हूँ। संगत जी मैंने उस दिन उस मिश्री को स्नान कराया। उस दिन पूरा दिन मेरे किचन में
अमृत वर्षा, गुरु जी के कैलेंडर में से अमृत वर्षा होने लगी। मुझे नहीं पता था, मैंने देखा, मैंने कहा शायद मेड ना काम पोछा ढंग से नहीं लगा के गई, सारा पानी पानी हो रहा है किचन में। अब समझ जी, मैंने वाइपर लिया, वाइपर लगाया, साइन पहुंची और फिर सूखा करके मैं बाहर। थोड़ी देर बाद गई, फिर किचन पूरी पानी पानी, सारे टाइल्स पे हाथ लगाया, कहीं भी पानी नहीं है। लेकिन देखा तो गुरु जी का जो कैलेंडर लगा हुआ था किचन में, उसमें से पूरा जल बह रहा था। सबको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो ये गुरु जी के, ये कैसे ये लीला हो रही है। तो सबने कहा ये अमृत वर्षा हो रही है। तो जी पूरा जल बहता जा रहा था। मैंने नीचे, अब उसको हाथ लगाओ तो वो रुक गया। वहीं पर मैंने शब्द वाणी चलाई, खड़ा प्रसाद बनाया। इससे पता चला कि जो मुझे मिश्री नाम दिया गुरु जी ने, ये सारी लीला उस चीज के लिए रची गई थी। तो जी किचन में तो हुई, फिर मैं मंदिर में आई तो मंदिर में पूरी दीवार पे जल गुरु जी के स्वरूप के दोनों साइड। बहुत शुक्राना, ऐसे अमृत वर्षा करके उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी कि जो संगत मैसेज देती है वो उसको मानो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि वो मैसेज गुरु जी देते हैं कि ऐसे हाँ, आपको कोई भी आपको मैसेज नहीं दे सकता। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, जो इतना ब्लेस करते हैं। सुनिए जी, फिर एक दिन मेरी बेटी, उसके वो 10 साल की थी छोटी, उसकी भी तबीयत बहुत खराब हुई कि उसका यूरिन बेड पे ही निकलने लगा। हर 2 सेकंड में वो यूरिन के लिए भागती, रात को सोती तो बेड पे उसका निकल जाता। समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, वो बता भी नहीं रही थी। और जब मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मेरे अंकल बोले कि इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर को बताया सब कुछ। तो उसने कुछ टेस्ट लिखे कि ये टेस्ट करवा दो। समझ जी, मैं हाथों हाथ टेस्ट करवा के आ गई। अब टेस्ट की रिपोर्ट जब आई तो मैं लेके आई, घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं गई नहीं नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाने। और हमें पता नहीं होता कि क्या रिपोर्ट है, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती। संगत जी, एक दिन बाद मैं वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई। तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हुआ था। और मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मेरी डांट लगा दी, कैसी माँ हो आप, आपकी बेटी की इतनी तबीयत खराब है और आप अब रिपोर्ट दिखाने आ रही हो, आपको पता है उसकी किडनी फेल हो चुकी है, ये हो गया। मेरे वहीं से पैरों के नीचे से मैं निकल गई। मैं गुरु जी आपकी बेटी, आप संभालो, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, ये आप जानो। गुरु जी, मैं वहां डॉक्टर से, उसने फिर दोबारा टेस्ट लिख दिए कि ये टेस्ट करवाओ और इसका सुबह अल्ट्रासाउंड करवाओ। घर आकर मैं तो गुरु जी के आगे बैठ गई। गुरु जी, मुझे नहीं पता, आपकी बेटी है, आपने संभालना है, आपने ही दी है, आप जानो कैसे करना है। अंकल को कॉल किया, सब बताया, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है। अंकल वापस आए घर शॉप से और उसको टेस्ट के लिए दोबारा लेके गए। वो टेस्ट करवाया, सुबह अल्ट्रासाउंड करवाया, उसको जल दिया मैंने सारी रात। मैं इसको शाम से जल देती रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक, किडनी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही थी। शुक्राने किए गुरु जी के, इतने शुक्राने किए कि आपकी बेटी, आप जानो कैसे संभालना है। उन्होंने संभाला भी। जब हम उनके ऊपर डोरे छोड़ते हैं ना तो संगत जी वो संभालते भी हैं। फिर संगत जी शाम को वही रिपोर्ट, इसकी जो यूरिन की करवाई थी उन्होंने, जो 2 दिन पहले इतने उसमें इंफेक्शन था कि उसके 4 पॉइंट आ गए थे जो नील होने चाहिए, वो इसका मिला गए बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ एक जल प्रसाद से। जल प्रसाद ही दिया। और वो रिपोर्ट जब अंकल लेने गए तो अंकल ने पैकलर वाले से भी कहा कि आप ये बताओ कि ये रिपोर्ट परसों क्या थी और आज क्या है।
डॉक्टर ने भी बोला कि भाई साहब मैंने ये रिपोर्ट 2 बार टेस्ट करी है, मैं खुद हैरान हूँ कि परसों इस बच्चे की क्या रिपोर्ट गई है और आज क्या रिपोर्ट है। ये सब इनकी लीला, कैसे रिपोर्ट चेंज कर दी बिना मेडिसिन के सिर्फ एक जल प्रसाद, तो यही जानते हैं कि कैसे कर करना है। बहुत शुक्राने गुरु जी के, बच्ची को भी लाइफ दी, सब कुछ किया बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको ठीक किया। आज वो 16 साल की हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से गुरु जी से जुड़ी हुई है, गुरु जी के सब काम करती है, गुरु जी को भोग लगाती है, सब कुछ करती है। बहुत शुक्राना कि बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लिया गुरु जी ने। जी एक सत्संग आपको सुनाती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी होती है कि जब हम मैं आपके अमृत वेला करती थी तो गुरु जी ने मुझे एक विजन दिखाया जो मेरे को, जैसे मेरे आईज क्लोज करके मैं गुरु जी के ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे एक ऐसे लगा एक मूवी से चलने लगी मेरे आगे। संगत जी वो ड्रीम मैं आपको सुनाती हूँ गुरु जी का। संगत जी मैंने देखा कि मैं एक छोटी सी बच्ची बनी हुई हूँ और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मेरा हाथ पकड़ के चला रहे हैं और मैं छोटे बच्चे जैसे नौटी से होते हैं वैसे नौटी सी हूँ, कभी इधर प्लांट्स में हाथ मार रही हूँ कभी उधर, एक पग डंडे पे गुरु जी मुझे चलाते हुए लेके जा रहे हैं, पतला सा रास्ता है, मुझे मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं और मैं छोटी बच्ची हूँ और गुरु जी के हाथ में एक लैंप है। मैं शैतानियां कर रही हूँ, एक बार गिरी गुरु जी ने मुझे उठाया, फिर मैं चलने लगी, फिर मैं दोबारा गिरी, गुरु जी ने लैंप नीचे रखा और मुझे अपनी गोदी में उठा ली। तो गुरु जी गोदी में उठाकर, गुरु जी एक मोर का बहुत सुंदर सा विमान था जिस पर लेकर मुझे बैठे और मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए। लेके गए तो गुरु जी को एक गुफा सी थी, अब वहां विमान से जब उतरे हम उस मोर के तो मैं अपने उसी रूप में बड़े रूप में आ गई और गुरु जी मुझे एक रूम के अंदर लेके गए। वहां पर इतनी संगत थी, बहुत शोर मच रहा था। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये क्या, कहते हैं ये वो संगत है जो अभी जुड़ी नहीं है पूरी अच्छे से, वो ये देखती है कि अच्छा तेरा ये पाठ करने से तेरा कल्याण हुआ, चल मैं भी ये पाठ, अच्छा तूने ये किया तो तेरा कल्याण हुआ तो मैं भी ये करती हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी का, ये समझाया कि सिर्फ पाठ करने से कुछ नहीं होता, ना एक दूसरे की देखते कि आपने ऐसे किया और आपने ऐसे किया, किसी के पीछे भागना नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ना है। फिर संगत जी गुरु जी कहते हैं अभी इनको बहुत टाइम लगेगा। संगत जी नेक्स्ट रूम में लेके गए, वहां पर बहुत डिम लाइट थी, वहां पर गुरु जी, वहां पर भी संगत बैठी थी, वो जोर जोर से मंत्र जाप कर रही है, उनका किसी से के पास ध्यान नहीं है लेकिन वो बहुत जोर जोर से मंत्र जाप कर रही है। गुरु जी वहां से आसन पर बैठे और मुझे अपने पास बिठाया और कहते हैं कि, मैंने कहा गुरु जी ये क्या, जैसे हले ये थोड़ी कनेक्ट हुई है, हले इन्होंने भी टाइम लगेगा। शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी नेक्स्ट रूम में, जब थर्ड रूम था वहां लेके गए, वहां पर इतनी डिवाइन लाइट कि संगत के अंदर से भी डिवाइन लाइट निकल रही थी, सब वाइट, पूरा वाइट कपड़ों में, सब इतने शांत ध्यान में बैठे हुए हैं। गुरु जी वहां जाके बैठे सिंहासन पर, कहते ये है मेरी संगत जो डिसिप्लिन में भी है और देखो ध्यान में, डायरेक्ट कनेक्शन मुझसे जोड़ा हुआ, यहाँ आना है सबसे। बहुत शुक्राना, इतना समझाया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम तो बहुत मूढ़ बुद्धि बालक हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, आप जो समझाते हो वही हम कर, गुरु जी जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा हमें बना ले। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। एक बार फिर मुझे विजन आया, तब मैं बड़े मंदिर
तो मेरा मन था कि जैसे मानसिक यात्रा करते हुए कि मैं ना हरमंदर साहब जाती हूँ, जबकि मैं बहुत टाइम से हरमंदर साहब नहीं गया। और वो विजन जो मेरे को आया दोबारा, वो गुरु जी ने विजन इस साल पूरा भी कर। जय गुरु जी। वो मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे को विजन आया कि मैं ना बड़े मंदिर से सीधा हरमंदर साहब जा, तो वहां पर मैं गई तो मैंने क्या देखा कि हरमंदर साहब की और बड़े मंदिर की दोनों की वॉल एक साथ मिली हुई है। अब गुरु जी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, बता कितने पहले जाएगी, कि हरमंदर साहब पहले मत्था टेकेगी कि मेरे मंदिर पहले मत्था टेकेगी। मैं अब सोच में पड़ गई कि मैं क्या कहूँ गुरु जी को। मैं गुरु जी के पास, मैं वहां बीच में बैठ गई। मैंने कहा, गुरु जी मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे यही दर्शन दोगे दोनों। अब मैं वहीं बैठ गई बीच में। दोनों दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे दोनों एक हो गए, और बड़े मंदिर से तो गुरु नानक देव जी और हरमंदर साहब से गुरु जी निकल के आए और मेरे सामने आके बैठ गए। कहते हैं, हुन तू ऐ संता तो पूछी कि पहले कितने जाओगे। संगत जी, मैंने गुरु जी ने यह भी बता दिया था कि कोई एक संगत आंटी का नाम लिखी कि वो सब जवाब दे देगी। संगत जी, बहुत लोगों ने कहा हम बड़े मंदिर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे। उन संगत आंटी ने आंसर दिया कि वाणी ही गुरु है। जैसे आज अभी शब्द चल रहा था, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। वाणी से हम प्योर होकर अपने अंदर प्योरिटी लाएंगे तो हमें गुरु जी के दर्शन होंगे ना, तो वाणी सुन के ही तो हम प्योर होंगे। तो वही चीज गुरु जी ने बोली थी मुझे कि यही होगा। और संजय जी, अब अभी मार्च में मैं हरमंदर साहब गई, तो मैंने उससे पहले विजन देखा था कि मैं हरमंदर साहब की ड्योरी पे बैठी हूँ और हाथ चला के बैठी हूँ कि मुझे नहीं पता दाता कैसे आपके दर्शन करने हैं, आप मुझे कैसे बुलाओगे। संगत जी, गुरु जी आए थे अंदर से, मुझे लेके गए। अब जब हम गए संगत जी दर्शनी ड्योरी पे, इतना रश, मुझे वहां पे आराम से माथा टेकने को मिला। जैसे ही दर्शनी ड्योरी से अंदर पैर रखा, शब्द चला, गुरु जैसा नाही को दे, शुक्राना मालिक, इतने शुक्राने कि आपने सच में मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर दर्शन। अब वहां एक ही अरदास, दाता बुलाया है, दर्शन अच्छे से करा दे। बहुत बहुत शुक्राना, एक धक्का नहीं लगा, हम इतने आराम से, जो हमारे अंकल 3 घंटे में दर्शन करके आए हैं, हम 1 घंटे में दर्शन करके बाहर, इतने रश में बिना किसी धक्के के अंदर गए। महाराज ने अपने पास बिठाया, बहुत ब्लेस किया। अब गुरु जी को यही अरदास थी कि गुरु जी दर्शन अच्छे से देना। और उस नेक्स्ट डे जब हम वापस आ रहे थे, गुरु जी का जो बड़े मंदिर से जा पाता है, सेम उसी कलर का चोला जो मैंने हरमंदर साहब में देखा। शुक्राना किया कि महाराज आपने बता दिया कि गुरु नानक देव भी आप हो और गुरु जी भी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, माला साहब लेके गई गुरु जी को। हाँ, यही अरदास करी कि दाता अंगीकार कर लेना, छोटी सी भेंट आपकी देवी, मैं तो कुछ नहीं ला सकती, हम कुछ नहीं ला सकते, आपकी सोझी देवी है जो मैं चढ़ा रही, इसे अंगीकार कर लेना। संगत जी, नेक्स्ट डे जब बड़े मंदिर का जा पाया, तो बड़े मंदिर में चोला उसी कलर का जो रुमाला मैंने वहां पर दरबार साहब में चढ़ाया, महाराज ने ये भी बता दिया कि मैंने वो चोला अंगीकार कर लिया। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के, इतने शुक्राने करें कि पता नहीं सकती कैसे उनके शुक्राने करें। हर पल के शुक्राने, हर पल के, पल पल बख्शते रहते हैं। सर जी, एक बार मेरे मेरे फोन गुरु जी के हैंडल में रहता था, जो पहले मेरा एक फोन था वो खो गया था, वो गुरु जी ने ही वापस दिलवाया मुझे। और गुरुजी
उसको होल्ड करते थे। जब मैं पास करती थी तो कभी किसी का कॉल आते तो वो कॉल उठती ही नहीं थी। बहुत बार मैंने जैसे हमें पास करते हुए किसी का कॉल आ जाए तो मैं उठाने की कोशिश करती थी तो बात ही नहीं हो पाती थी। फिर एक बार हुआ कि मैं किसी एक संगत आंटी को कॉल मिला रही थी, मुझे कुछ काम था उनसे तो मैं उनको कॉल मिलाने लगी और वो कॉल बेंगलोर जाके मिलती। मुझे लगा कि पता नहीं, चलो एक बार गलती हो जाती है, हो जाता है कॉल डाइवर्ट हो गई। संगत जी दोबारा कॉल मिलाई, फिर दोबारा कॉल वहीं जाके लगे, उन आंटी को ना लगे। बाकी सब कहें कि हमारी कॉल तो उनको ही लग रही है, तेरी कॉल क्यों नहीं लग रही। ये भी लीला गुरु जी की चल रही थी कि एक संगत आंटी के बेटे की को कोविड हुआ हुआ था, वो अकेला था वहां बेंगलोर में, तो उसको जल प्रसाद वगैरह पहुंचाना। संगत जी मैंने सेकेंड टाइम कॉल किया उन आंटी को, तो फिर वही बेंगलोर कॉल। मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता ये क्या लीला चल रही है, जरूर इसमें कोई सत्संग होगा जो गुरु जी ये कॉल आपके पास लगवा रहे हैं। कुछ दिन बाद पता लगा कि उन एक संगत आंटी जो हमारे साथ ग्रुप में थी, उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव और उसके पास जल प्रसाद नहीं है, गुरु जी का स्वरूप नहीं। तो मैंने पता लगा कि वो बेंगलोर में, तो मैंने वापस उन आंटी को कॉल करी कि आंटी एक बच्चा है बीमार है, आप उन तक जल प्रसाद पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा आंटी मेरे घर से तो दूर है, मैं ग्रुप में डालती हूँ, उस घर के आसपास जो भी होगा उन तक पहुंचा देंगे। और उन्होंने ग्रुप में डाला, दस आधे घंटे के अंदर उस बच्चे के पास लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया। अब गुरु जी का स्वरूप पहुंचा, धीरे धीरे वो ठीक भी होना शुरू हुआ। संगत जी उन आंटी ने जिन्होंने जल प्रसाद भेजा, उन्होंने उस बच्चे को दो तीन बार कॉल भी किया कि बेटा लंगर प्रसाद और बना के भेज दू या कुछ भेज दू, लेकिन बेटा बच्चे आजकल के थोड़े शाय होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आंटी मैं अरेंज कर लूंगा। संगत जी वो कोशिश करता, अपनी फ्लाइट बुक कराता, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती। अब उन आंटी को बोला कि आंटी इसको बोलो कि वहां पर से मांग के लंगर प्रसाद खाए, क्योंकि जब तक ये लंगर प्रसाद नहीं खाएगा ये वापस नहीं आ पाएगा। वही हुआ, संगत जी उस बच्चे ने मांग का लंगर प्रसाद खाया और थोड़े दिन बाद वो वापस आ गया। ये गुरु जी और उसके बाद संगत जी मैंने उसी नंबर पर कॉल की तो उन आंटी को ही लगी जिनको मैं पहले मिलाना चाह रही थी। ये गुरु जी की लीला, बहुत बहुत शुक्राने हैं। कितने सत्संग शेयर करूं, हर पल के सत्संग है हमारे पास संगत जी, बहुत पल पल के सत्संग है। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं कि हम उनके शुक्राने करते नहीं थके। संगत जी कुछ दिन एक बार पहले मैंने अपने घर में सत्संग किया, संगत जी मंदिर वाले रूम में सब संगत बैठी, साथ वाले रूम में भी बैठी थी, बेड पर कोई भी नहीं बैठा और गुरु जी का प्रसाद वगैरह सब मंदिर में ही था। अब वहां पर सब संगत चली गई लंगर वगैरह करके, तो जैसे गुरु जी के लिए रात को उनको विश्राम कराने के लिए बेड पर मैं बेडिंग लगाने लगी, तो मैंने कहा कि चलो चादर बिछा देती हूँ और रजाई रखती हूँ गुरु जी की और गुरु जी विश्राम करेंगे। संगत जी जैसे ही मैं चादर पिलो उठाए, उसके नीचे से इतने मोटे मोटे काजू और बादाम। मैंने सोचा शायद कोई संगत बैठी होगी, उसका रह गया होगा प्रसाद। मैंने एक आधा मुंह में दाना डाला और मैंने कहा चलो मैं उसमें डाल दूंगी, पूछ लूंगी किसी का है तो दे देंगे, नहीं तो फिर बच जाएगा फिर प्रसाद जिसका भी रह गया। तो मैंने वही बेड पे रखा, गुरु जी का बेडिंग लगाई और मैं भूल गई उसे उठाना। अब रात को गुरु जी को विश्राम कराया, हम दूसरे रूम में आके सो गए हम लोग। बाद में मुझे याद आया, मैंने बेटा से बच्चों से पूछा बेटा आपने वहां से प्रसाद उठाया, वो बोले नहीं मम्मी हमने नहीं उठाया। और प्रसाद किसी का रहा नहीं था क्योंकि बेड पर कोई संगत बैठी ही नहीं थी, सब नीचे ही बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो जो है देखते हैं। अब उस टाइम गुरु जी को विश्राम करा चुकी थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस रूम में जाकर चेक करूं कि वो प्रसाद पड़ा है या नहीं पड़ा। संगत जी जब मैंने सुबह वहां पर
देखा तो वहां एक भी काजू बादाम का पीस नहीं था। वो गुरु जी ने भोग लगाने के लिए रखा और वो गायब भी हो मिला ही नहीं हमने। ये भी गुरु जी की लीला। चलो भोग लगाया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। अंकल टाइम है या? जी आंटी, आप कुछ और सत्संग शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जी। थैंक यू। हाँ जी, अब मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे बेटे को कैसे ब्लेस किया। जी, जब मेरा बेटा बहुत मोड़ मोड़ के लिया था तब तक वो गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने मेरी शादी के 3 साल बाद हुआ था और जब हुआ तो इसको फोर्सेप लग गया था, तो इसकी ये कोमा में चला गया था। बहुत अरदासें करी सब जगह मंदिरों में मत्थे टेके कि इसको गुरु भगवान से यही प्रार्थना दिया है तो लाइफ में ब्लेस करना दिया। तो थोड़ा सा इसका माइंड स्लो चलता था तो ये पढ़ाई में अच्छा नहीं था और मैं बहुत ढीला था। तो मैं तब जब गुरु जी से जुड़ी तो गुरु जी से एक ही अरदास कि गुरु जी इस बच्चे को थोड़ा एक्टिव बना दो, थोड़ा ये और बच्चों की तरह एक्टिव हो जाए। हम माए हैं, हमारे घर हमें लगता है कि हमारे बच्चे हर काम में परफेक्ट हों। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा बहुत ऊंचाई पे जाए। अब यही अरदास जी, एक जगह सत्संग में गई वहां पर भी मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही थी कि गुरु जी मेरे बच्चे को थोड़ी सी मतलब माइंड उसका अच्छा कर दो, तो पढ़ाई में अच्छा निकल है। फिर समझ जी क्या हुआ कि गुरु जी ने कहा पीछे मुड़ के देख। मैं बिल्कुल गद्दी के पास बैठी थी तो गुरु जी से जैसे कनेक्शन हुआ हुआ था, तो गुरु जी ने कहा पीछे मुड़ के देख। समझ जी मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक हैंडीकैप बच्चा आ रहा था जो चल भी नहीं पा रहा था और उसकी मम्मा उसको पकड़ के ला रही थी। ना उसको कुछ होश था कि क्या मैं कैसे चल रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं। तो गुरु जी ने मुझे कहा देख तेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है। उस दिन मैंने कान पकड़े, मैंने कहा गुरु जी नहीं, शुक्राना आपने मुझे ये बता दिया कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं क्या करती, बहुत शुक्राना बहुत अच्छा बच्चा दिया। तो जी यही हमें उम्मीद नहीं थी कि ये 10th पास करेगा नहीं करेगा, 9th में ये अपील भी हुआ तो हमें यही था कि ये बच्चा कैसे करेगा। गुरु जी से अरदास, गुरु जी कैसे भी करके इसको 10th करवा दो, 10th तो पड़ जाए फिर देखते हैं इसको क्या करना। 9th में फेल हुआ, स्कूल वालों ने कहा कि हम इसको 10th में प्रमोट नहीं करेंगे। हमने बहुत जोर लगाया कि करवा दीजिए सर, करवा दीजिए, हम ध्यान देंगे, करवाएंगे हम। तो मुझे हम लोग आ गए, चलो रिपीट करवाएंगे जो होगा, गुरु जी पे छोड़ दिया। जी नेक्स्ट डे ही स्कूल से कॉल आ गई कि हम आपके बेटे को 10th में प्रमोट कर रहे हैं, अब आपने देखना है कैसे करना है। हम इतने खुश, शुक्राना किया गुरु जी को कि आपने उसको 10th में प्रमोट कर दिया। फिर समझ जी उसके बाद 10th में ही बच्चा पढ़ा, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये पास होगा, प्री बोर्ड में भी पास नहीं हुआ, स्कूल वालों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा कर जाएगा। अब गुरु जी का विश्वास, जब ये एग्जाम देने जाता मैं गुरु जी का मंत्र जाप घर में जला के रखती, इसको जल प्रसाद देते, जब तक ये पेपर दे के नहीं आता था मेरे घर में मंत्र जाप चलता था। सर जी जब इसका रिजल्ट आया, ये बच्चा पास, 50% मार्क्स इसके, और स्कूल वालों को फोन किया कि बच्चा पास हो गया। वो लोग इतने हैरान हुए कि ये बच्चा कैसे पास हो जाएगा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच्चा पास हो जाएगा, ये सब कौन कर सकता है, हमारे गुरुजी और कोई नहीं कर सकता, इतना ब्लेस करते हैं। समझ जी वही बच्चा है आज इतना एक्टिव है, गुरुजी ने उसने बिना किसी ट्यूशन के 12th पास करी, सेल्फ स्टडी करके 70% मार्क्स लाया विदाउट एनी ट्यूशन, ये सब इनकी मेहर। और आज वो अपनी शॉप पे काम कर रहा है, गुरुजी ने उसे काम पे भी लगा, अपनी शॉप संभाल रहा है।
बहुत साथ साथ स्टडी भी कर रहा है और शॉप पर भी, तो ये सब कौन कर सकता है, सिर्फ हमारे गुरुजी और कोई नहीं कर सकता। इनका देना हम कभी नहीं दे सकते, इतना शुक्राना है। पता नहीं कौन से जन्मों के हमारे अच्छे कर्म थे जो गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा, और इतना शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे संतों से मिलाया, सबसे इतना प्यार। गुरुजी का कल ही एक मैसेज था कि सबसे प्यार से रहना है, सबकी गलतियों को माफ करो। तुम हर टाइम मुझसे यही कहते हो कि मेरी गुरुजी नहीं सुनते, मेरी गुरुजी नहीं सुनते। क्या तुम अपने मन में कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, कभी किसी के लिए, किसी को देखकर कि कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को देखकर अगर आप जल रहे हो तो आप जेलसी नहीं करनी। हर एक की खुशी में खुश होना है, दुख में दुखी होना है। यही गुरुजी का मैसेज था कि सबके साथ मिल के रहो। बहुत शुक्राने गुरुजी के, इतना प्यार देते हैं, पल पल साथ देते हैं। इतना शुक्राना करूं, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंदिर मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे आज फिर से मौका दिया जो मैं अपने सत्संग शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना।